अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एआई इन डाटा साइंस की क्लास नंबर 7 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लिस्ट से रिलेटेड कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिकल पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। लास्ट क्लास में हमने डाटा स्ट्रक्चर्स, एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग कैसे होती है और लिस्ट के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं, कुछ डिलीट करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, पॉप कैसे करवाते हैं लिस्ट में, या लिस्ट के अंदर चेंजिंग्स किस तरह से करवा सकते हैं, दो लिस्ट को एक्सटेंड कैसे करवा सकते हैं, ये भी हमने देखा था। आज हम लिस्ट के डिफरेंट और मेथड्स को स्टडी करेंगे जिसमें से एक मेथड है सॉर्टिंग। अगर हमारे पास एक लिस्ट हो, उस लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं और अगर हमने उनको सॉर्टिंग करना हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उसके लिए एक सॉर्टिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं और वो हम लिस्ट के साथ कैसे परफॉर्म करते हैं, आज हम इस चीज को स्टडी करेंगे। तो हम नोटबुक पे चलते हैं और अपने कोड के थ्रू इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो इसका स्टेप 6 है, दैट इज सॉर्टिंग। अब इस सॉर्टिंग में आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसके अंदर फ्रूट्स की एक लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं। लेट्स सपोज इसमें गावा दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है, आलमंड दिया हुआ है, एप्पल है और ग्रेप्स है। इस तरह से डिफरेंट आइटम्स इसके अंदर यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। इस लिस्ट को मैं कॉपी करके अपनी नोटबुक पे ले आता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक पे और यहाँ पर मैं किसी भी एक फोल्डर एआई डाटा साइंस के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर मेरी जो एडवांस डाटा टाइप्स के नाम से एक नोटबुक है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये वही नोटबुक है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। तो मैंने इस नोटबुक को ओपन कर लिया और इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इस लिस्ट को क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर ये जो मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट आइटम्स मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, गावा है, स्ट्रॉबेरी है, आलमंड है, एप्पल है, ग्रेप्स है। अब अगर इसको इनको मैंने सॉर्ट करना हो तो इनको मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ। इनको सॉर्ट करने के लिए लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सॉर्ट। लिस्ट का नाम लिखते हैं आगे डॉट सॉर्ट लगा के हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि हमारे पास अगर नंबर्स की बात करें, अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स हो तो नंबर्स की सॉर्टिंग दो तरह से होती है। एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसके बाद लार्जेस्ट, फिर उसके बाद लार्जेस्ट, और एक हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें लार्जेस्ट देन फिर स्मॉलेस्ट देन फिर स्मॉलेस्ट। तो नंबर्स की सॉर्टिंग तो इस तरह से होती है। अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की, तो अल्फाबेट्स की जो सॉर्टिंग्स है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग इस केस में समझी जा सकती है कि ए टू जी हमारी एक सॉर्टिंग होती है और जी टू ए एक सॉर्टिंग होती है। अब मेरे पास ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जानबूझ कर इसलिए लिया है कि आपको अल्फाबेट्स की सॉर्टिंग समझ आ सके कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो अब इस लिस्ट को जब मैं सॉर्ट करूंगा तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, ये सारे के सारे आइटम्स का जो स्टार्टिंग लेटर है इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। यानी सारे के सारे जो आइटम्स हैं इनका स्टार्टिंग लेटर, लेट्स सपोज इसका जी है गावा का, इसका एस है, इसका ए है, इसका भी ए है और इसका जी है, तो सबसे पहले ए वाले लेटर सॉर्ट होंगे, देन फिर उसके बाद बी वालों की बारी आएगी, देन फिर सी वालों की बारी आएगी। इस तरह से ये हमारे पास ए टू जी एक असेंडिंग सॉर्ट इस केस में अल्फाबेट्स या स्ट्रिंग डाटा के केस में बन रहा होता है। और अगर हमने डिसेंडिंग सॉर्ट की बात करनी है तो डिसेंडिंग सॉर्ट इस तरह से होगा कि पहले जी अल्फाबेट्स वाले, देन फिर उसके बाद वाई वाले, देन फिर एक्स वाले, इस तरह से ये सॉर्टिंग होगी जी टू ए। तो अब मैं इस लिस्ट को एक्सिक्यूट करता हूँ और मैं इस पर सॉर्टिंग का मेथड अप्लाई करता हूँ। तो सॉर्टिंग का मेथड मेरे पास गिटहब की एग्जाम्पल में ही है और मैंने यहां से ये कोड कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इस कोड को यहाँ पे लेकर आया और मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट मेथड ने हमारी लिस्ट को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं अब मेरे पास सबसे पहले स्ट्रॉबेरी आ रहा है, उसके बाद मेरे पास आलमंड आ रहा है, उसके बाद फिर मेरे पास एक एप्पल आ रहा है, फिर ग्रेप्स आ रहा है और गावा आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही हैरान करना है कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मेरे पास आलमंड और एप्पल ये दो चीजें आनी चाहिए थी क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए तो सबसे पहले आता है हमारे पास अल्फाबेट्स के अंदर, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी क्यों पहले आ रहा है। एक्चुअल में पाइथन के अंदर जो सॉर्टिंग का रूल है वो ये है कि जब भी हम सॉर्टिंग कर रहे होते हैं तो अगर सॉर्टिंग के अंदर कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स इकट्ठे आ जाए तो सबसे पहले वो कैपिटल अल्फाबेट्स को सॉर्ट करता है, देन उसके बाद वो स्मॉल अल्फाबेट्स को सॉर्ट करता है। तो कैपिटल अल्फाबेट्स के अंदर सिर्फ उसे एक ही मिला था स्ट्रॉबेरी, जो को इसने सबसे पहले सॉर्ट कर दिया और उसे पहले नंबर के उसने रख दिया। उसके बाद जो स्मॉल अल्फाबेट्स थे उसमें उसे ए मिला, जी मिला, ये दो अल्फाबेट्स उसे मिले थे। तो ए और जी
इन दो को उसने फिर हमारे पास ए टू जी वाली सॉर्टिंग के मुताबिक सॉर्ट किया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर पहले आलमंड आया, देन फिर एप्पल आया, उसके बाद जी को उसने सॉर्ट किया, ग्रेप्स आ गया और गावा आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां पर स्ट्रॉबेरी की जगह एस स्मॉल लिख देता हूं और फिर उसके बाद इसको रन करता हूं, तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट है इसके अंदर आलमंड आएगा, देन एप्पल, एप्पल के बाद फिर ग्रेप्स, जी से शुरू आने वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट पे एस वाला एलिमेंट आएगा। तो ये चीज एग्जाम्पल मैंने खुद यहाँ पर जानबूझ कर रखी थी आपको ये समझाने के लिए कि जब भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट्स आए, मल्टीपल टाइप्स का मतलब कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैं उनमें कैपिटल अल्फाबेट्स भी हो और स्मॉल अल्फाबेट्स भी उसके स्टार्टिंग पे आ रहा हो, इस तरह का मिक्स डाटा हमारे पास हो, तो सबसे पहले कैपिटल अल्फाबेट्स की सॉर्टिंग होगी अकॉर्डिंग टू ए टू जी या जी टू ए, और उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट्स को वो सॉर्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक सॉर्टिंग का एक मेजर रूल है जिसे आपके लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने सॉर्टिंग के एक केस को देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक और केस होता है, दैट इज रिवर्स सॉर्ट। रिवर्स सॉर्ट का मतलब जिसे हम डिसेंडिंग सॉर्ट भी कहते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं उनको मैंने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी मैंने उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि सेम टू सेम लिस्ट के अंदर लिस्ट का नाम लिख के आगे मैं सॉर्ट का मेथड लगा दूंगा, उसके बाद मैं सॉर्ट के मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास करूंगा, दैट इज रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, और ये रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू इस असेंडिंग सॉर्ट को डिसेंडिंग सॉर्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब अगर मैं इस लिस्ट को एक्सिक्यूट करता हूं तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास पहले यहां पर तरतीब थी जिसमें ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से, फिर सी से, उसके बाद जी की बारी आती थी, देन फिर लास्ट पे एस वाले एलिमेंट्स आते थे, ये सारी की सारी सॉर्टिंग मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में थी, ए टू जी ऑर्डर में, और यहां पर दूसरे केस में मेरे पास सारी की सारी सॉर्टिंग Z टू A यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। यानी अब मेरे पास सबसे पहले यहां पर क्या आ रहा है, S से शुरू होने वाले आ रहे हैं, देन फिर G से शुरू होने वाले, देन फिर लास्ट पर A से शुरू होने वाले आ रहे हैं। तो अगर हमने असेंडिंग सॉर्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है वो हमारे पास असेंडिंग सॉर्ट होता है, चाहे वो हमारे पास नंबर्स के लिए हो, चाहे वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए हो, वो असेंडिंग सॉर्ट होता है। और अगर हमने उसको डिसेंडिंग सॉर्ट करना हो तो हम सॉर्ट के मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, दैट इज रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो उससे वो उसे डिसेंडिंग सॉर्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी हमारी सॉर्टिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट एलियस के ऊपर। अब हमने एक, लेट्स सपोज, एक सिंपल लिस्ट बनाई, ठीक है, ये लिस्ट आपके सामने एक बनी हुई है फ्रूट्स। इस लिस्ट को मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिया एक ओरिजिनल के वेरिएबल के अंदर। ये मैं इस कोड एग्जाम्पल को यहां पर भी ले जाता हूँ अपने कोड पर, उसे रन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट जो लास्ट टाइम बनाई थी अभी फ्रूट्स की, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, इस लिस्ट को मैंने ओरिजिनल के अंदर सॉर्ट कर लिया। अब जब मैंने इस लिस्ट में, ये जो फ्रूट्स वाली लिस्ट है, इसके अंदर मैंने जब एक एलिमेंट को अपेंड किया, दैट इज मेलन, तो आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स की जो लिस्ट होगी उसको अगर मैं प्रिंट करवा के दिखाऊं तो आपको उसके अंदर मेलन का एक एलिमेंट अपेंड हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर मेरे पास जो ओरिजिनल की लिस्ट है उसको अगर मैं प्रिंट करके आपके सामने दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि ओरिजिनल की लिस्ट है उसके अंदर भी एक मेलन का एलिमेंट अपेंड हो गया, जबकि मैंने ओरिजिनल की लिस्ट में कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड नहीं करवाया, उसे अपेंड नहीं करवाया। मेलन का एलिमेंट मैंने सिर्फ यहां पर कोड के थ्रू फ्रूट्स की लिस्ट में अपेंड करवाया था, लेकिन जब फ्रूट्स की लिस्ट में कोई चेंजिंग हुई तो वो मेलन का एलिमेंट ओरिजिनल की लिस्ट में भी ऑटोमेटिकली एड हो गया। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है लिस्ट का, इस कंसेप्ट की वजह से होता यह है कि जब हमारे पास, हम एक लिस्ट को असाइनमेंट ऑपरेटर पास करते हुए दूसरी लिस्ट के इक्वल करते हैं, तो होता यह है कि इस सारे के सारे लिस्ट का डाटा तो इस लिस्ट में कॉपी हो जाता है, बल्कि इनके एड्रेस भी शेयर हो रहे होते हैं। यानी अगर मैं आपके सामने यहां पर दिखाऊं कि लेट्स सपोज अगर मैं एड्रेस देखना चाहता हूं कि हमारे पास जो फ्रूट्स लिस्ट है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, तो फ्रूट लिस्ट का अगर मैं मेमोरी एड्रेस यहां से पास करूं तो आपके पास ये मेमोरी एड्रेस आ जाएगा फ्रूट लिस्ट का। और अगर इसी तरह से मैं एड्रेस पास करूं, यानी एड्रेस मैं जानने की कोशिश करूं कि मेरे पास जो ओरिजिनल की लिस्ट है उसका एड्रेस क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि ओरिजिनल की लिस्ट का एड्रेस भी वही है जो फ्रूट लिस्ट का एड्रेस है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि मेमोरी के अंदर ये दोनों वेरिएबल्स, फ्रूट्स और ओरिजिनल, ये एक ही लोकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं, एक ही लोकेशन के को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली मेमोरी के ऊपर लोकेशन एक ही है और उस लोकेशन के नाम दो हैं, फ्रूट्स भी उसी लोकेशन का नाम है और ओरिजिनल भी उसी लोकेशन का नाम है, और डाटा जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो भी सेम है डाटा। तो हम एक ही मेमोरी लोकेशन से दो डिफरेंट नामों को यूज करते हुए, फ्रूट्स को भी यूज करते हुए और ओरिजिनल को भी यूज करते हुए,
दो डिफरेंट नामों को यूज करते हुए एक ही मेमोरी लोकेशन से सेम डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से होता यह है कि जब हम फ्रूट्स के अंदर कोई चीज ऐड करते हैं तो मेमोरी लोकेशन तो शेयर है, फ्रूट्स के अंदर ओरिजिनल के अंदर मेमोरी लोकेशन शेयर हो रही है। तो जैसे ही मैंने फ्रूट्स के अंदर कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड किया मेलन, तो वो मेमोरी लोकेशन शेयर होगी ओरिजिनल के साथ, और जब ओरिजिनल से मैं कोई डाटा मंगवाता हूँ या उसको प्रिंट करवाता हूँ तो वही शेयर्ड मेमोरी लोकेशन से मेरे पास शेयर्ड मेमोरी से जो डाटा आ रहा है उस डाटा के अंदर भी चेंजिंग हो सकी। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जबकि जब भी हम इक्वल साइन का ऑपरेटर यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, नॉर्मली एक लिस्ट को एक टपल्स को स्टोर करवाते हैं, तो उनकी आपस में एक बड़ी ही गहरी किस्म की एक कॉपी बन रही होती है। ठीक है, अभी इस कॉपी को हम डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम शैलो कॉपी या डीप कॉपी कहते हैं, उसको भी मैं आगे डिस्कस करता हूं अभी। लेकिन अभी ये कंसेप्ट जानने की जरूरत है कि जब हम इक्वल ऑपरेटर लगा के एक डाटा को किसी दूसरे डाटा में स्टोर करवा रहे होते हैं तो पाइथन बेसिकली अलग अलग लोकेशंस नहीं बनाता, वो एक ही मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट कर लेता है, उसके नाम दो रख दिए जाते हैं, फ्रूट्स भी और ओरिजिनल भी, और उसके अंदर जो डाटा होता है वो भी दोनों वेरिएबल्स के साथ शेयर हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने ये आपको मेमोरी एड्रेस के थ्रू भी इस चीज के बारे में बता दिया। तो इस हवाले से एक चीज तो हमारे पास फायदेमंद है, फायदेमंद ये कि हमारे पास मेमोरी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, कि अगर हमारे पास डाटा एक ही है और वेरिएबल दो डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे हैं तो मेमोरी की एफिशिएंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म हो रही है, कि बजाय इसके कि एक न्यू वेरिएबल बनाए उसमें भी वही सेम डाटा रखे लिस्ट का, तो उसने मेमोरी को एफिशिएंट तरीके से यूज करके उसने एक ही मेमोरी के को दो वेरिएबल्स के नाम दे दिए और उसी के अंदर उसने वो डाटा स्टोर करवा दिया। एक तो ये फायदा है कि मेमोरी बड़ी एफिशिएंटली यूज हो रही है इसमें। दूसरा एक नुकसान भी है कि अगर हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हो जिनके अंदर सेम डाटा है तो मैं एक डाटा के अंदर चेंजिंग करूंगा तो दूसरे के अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास पुराना डाटा और न्यू डाटा दोनों अलग अलग रहे, पुराना डाटा मेरे पास किसी अलग वेरिएबल में और न्यू डाटा किसी अलग वेरिएबल में हो, तो उस केस पे मैं ये सिनेरियो परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी ये वाले जो एग्जांपल है उस केस में मेरे लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो उसे कंप्लीट करने के लिए यानी उस तरह का जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने एक न्यू कांसेप्ट को यूज करते हैं, दैट इज कॉपी। अब ये कॉपी क्या चीज है, इस कॉपी के थ्रू फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूं, मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाई दैट इज ओरिजिनल टू के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने कहा कि फ्रूट्स की जो लिस्ट है डॉट कॉपी उसकी एक कॉपी बना के उसे ओरिजिनल टू में स्टोर कर दे। तो इससे अब ये होगा कि अब फ्रूट्स और ओरिजिनल ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होंगे, इनकी मेमोरी शेयर नहीं हो रही होगी, बल्कि ओरिजिनल टू ये एक अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा और फ्रूट्स ये एक अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा। इनके अंदर जो डाटा होगा वो सेम होगा लेकिन इनकी मेमोरी लोकेशंस अलग अलग होंगी। तो अगर मैं फ्रूट्स के अंदर कोई चेंज करूंगा तो उससे ओरिजिनल टू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। तो ये हम इसके अंदर चेंज करके भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये कोड एग्जाम्पल को कॉपी किया और इस कोड एग्जाम्पल में हो ये रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ्रूट्स के अंदर पहले इसकी मैंने कॉपी लेके ओरिजिनल टू के अंदर स्टोर किया, फिर मैंने यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर एक चेरी के एलिमेंट को अपेंड कर दिया, उसके बाद मैंने फ्रूट्स को प्रिंट करवाया ओरिजिनल टू को प्रिंट करवाया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्रूट्स वाला एलिमेंट है उसमें तो चेरी अपेंड हो गया लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल टू वाला जो एक वेरिएबल है उसके अंदर चेरी अपेंड नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं और इनका डाटा भी एक दूसरे से अलग अलग है, इनके दरमियान कोई भी मेमोरी शेयर नहीं हो रही। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास जिसे हम कहते हैं दैट इज अ शैलो कॉपी। तो ये दो तरह की हमारे पास कॉपीज होती हैं, एक वो कॉपी होती है कि जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो उसका डाटा भी शेयर हो जाता है और उसकी मेमोरी भी शेयर हो जाती है। तो एक ये हमारे पास कंसेप्ट है और दूसरा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट में हमारे पास जब हम एक वेरिएबल की कॉपी लेकर दूसरी वेरिएबल की कॉपी यानी एक वेरिएबल की कॉपी लेकर दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो दोनों का डाटा तो सेम होता है लेकिन उनकी मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, उनकी मेमोरी आपस में शेयर नहीं हो रही होती। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक कंसेप्ट में हमारे पास मेमोरी शेयर हो रही होती है वेरिएबल्स की और दूसरी कंसेप्ट में हमारे पास मेमोरी आपस में शेयर नहीं हो रही होती। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपके लिए एक सिंपल सी असाइनमेंट है कि मैंने आपको एक चीज रीडिंग असाइनमेंट के तौर पर मैं एक चीज आपको दे रहा हूं कि आपने इंटरनेट से या किसी भी बुक से इन दो चीजों के डिफरेंस पढ़ के आने हैं, एक है शैलो कॉपी और एक है डीप कॉपी, और होपफुली यहां पर जो आपके पास ये दो चीजें आ रही हैं
यानी दो कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किए कि एक में तो मेमोरी शेयर हो रही है हमारे पास, जैसे ये कंसेप्ट है, और दूसरे में हमारे पास मेमोरी यहाँ पर शेयर नहीं हो रही। तो यही दो कंसेप्ट, इनके नाम है शैलो कॉपी और डीप कॉपी। तो ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी, इनका आपने डिफरेंस इंटरनेट से कहीं से आपने स्टडी करके, किसी बुक से या किसी भी आर्टिकल से आपने स्टडी करके, इनके दो से तीन डिफरेंस आपने निकालने हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, और इनके कौन कौन से हमें फायदे होते हैं शैलो कॉपी के, और कौन कौन से हमें इसके नुकसान होते हैं। इसी तरह डीप कॉपी के आपने निकालने हैं कि इसके हमें कौन कौन से फायदे होते हैं और कौन कौन से हमें नुकसान होते हैं। तो ये तो हमने लिस्ट एलियसिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन सी दो कॉपीज होती हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं अपनी एडवांस लिस्ट पे। अभी तक हमने जितनी भी लिस्ट पढ़ी थी वो सारी की सारी 1D लिस्ट थी। 1D लिस्ट मींस वन डायमेंशनल लिस्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो लिस्ट है वो 1D लिस्ट है या 2D लिस्ट है या 3D लिस्ट। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है आपकी आसानी के लिए कि हमारे पास जितनी भी लिस्ट थी वो एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही थी और एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी लिस्ट है वो सारी की सारी एक सिंगल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज थी जितने भी आइटम्स थे। तो अगर मैं किसी एक लिस्ट की बात कर लूं, लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये एक मेरे पास सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है ये लिस्ट, और ये वाली लिस्ट जो एंड हो रही है ये सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स से एंड हो रही है, यानी एक सिंगल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही इसके सारे आइटम्स और एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड के साथ लिखे गए हैं। तो दैट इज अ 1D लिस्ट। इसे हम 1D लिस्ट कहते हैं या इसे हम सिंपल लिस्ट कहते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो के हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और उस एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट्स आ रही हैं, तो उसे हम कहते हैं दैट इज 2D लिस्ट। अब वो मल्टीपल लिस्ट किस तरह से आएंगी, ये मेरे पास इसकी एग्जाम्पल है, एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैं इस कोड को पहले कॉपी करके अपने जुपिटर नोटबुक पे ले आता हूँ। तो ये मैंने कोड कॉपी करके जुपिटर नोटबुक पे ले आया। अब आप ये देख सकते हैं कि एक मेरे पास सिंगल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर एंड हो रही है। उसके बाद इस सिंगल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आगे 2 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। एक वाली ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स है, एक ये पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो ये जो पेयर स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इस पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं फर्दर, एप्पल, बनाना और चेरी, और कॉमा सेपरेटेड के साथ ये जो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसके अंदर ब्रिंजल, पोटैटो और रेडिश, ये 3 तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह की लिस्ट को हम कहते हैं दैट इज अ 2D लिस्ट। 2D लिस्ट मींस कि हमारे पास एक लिस्ट के अंदर फर्दर 2 लिस्ट्स हैं। 1 लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एप्पल, बनाना एंड चेरी, एंड द अदर लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रिंजल, पोटैटो एंड रेडिश। तो ये एक लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आ रही हैं, ये 2 आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं। तो ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट्स आ रही हो, बजाय इसके एक लिस्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड आइटम्स आ रहे हो, एक लिस्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल लिस्ट्स आ रही हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 2D लिस्ट। तो ऐसी लिस्ट को हम कहेंगे दैट इज 2D लिस्ट। और इसकी एक बड़ी सिंपल सी जो पहचान है वो ये है कि इसके अंदर डबल स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स आ रहे होते हैं स्टार्ट में और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लास्ट पर क्लोज हो रहे होते हैं। अगर लास्ट पर क्लोज ना हो तो जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर है ना वो डबल होते हैं। डबल मींस कि यहाँ पर आपको 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स नजर आएंगे और क्लोजिंग पे कहीं ना कहीं 2 आपको नजर आएंगे। क्लोजिंग पे भी आ सकते हैं 2, या ये भी हो सकता है कि एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको पहले नजर आ जाए, दूसरा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आपको बाद में नजर आए। तो ये भी इस तरह से भी हो सकता है, यानी क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी आपके ओपनिंग ब्रैकेट्स भी 2 होंगे और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आपके 2 होंगे। तो ये एक सिंपल सी पहचान है 2D लिस्ट की, ठीक है। अब मैं इस 2D लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ जाता है, ये 2D लिस्ट हमारे पास प्रिंट हो गई है। अच्छा, अब 2D लिस्ट के अंदर एक अहम बात ये है कि अभी तक हमने लिस्ट के अंदर जो एक चीज देखी थी वो देखी थी इंडेक्सिंग। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग में हमने देखा था कि हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे एक इंडेक्स पे पड़े होते हैं और वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3 के ऊपर कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पर ये सारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। अब हमारे पास इस केस में जो लिस्ट है उसके अंदर कोई एलिमेंट्स तो नहीं है, बल्कि लिस्ट के अंदर फर्दर एक और लिस्ट आ गई है। तो अब ये वाली जो लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है, ये लिस्ट एक इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगी जिस इंडेक्स का नाम होगा 0, यानी जो इंडेक्स होगा 0। यानी ये पूरी की पूरी लिस्ट, जहां पर हमारे पास 1D लिस्ट में एक आइटम
किसी इंडेक्स पे स्टोर हो रहा होता था, 2D लिस्ट में वहां पर एक पूरी की पूरी लिस्ट एक इंडेक्स पे स्टोर होती है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, और उसके बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट 1 इंडेक्स पे स्टोर होगी, इसके बाद कोमा सेपरेट के बाद अगर आगे कोई लिस्ट आती तो वो 2 इंडेक्स पे स्टोर होती। तो यहाँ पर 2D लिस्ट में एक पूरी की पूरी लिस्ट एक इंडेक्स पे स्टोर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं फ्रूट्स वेज के, फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक जो मेरे पास लिस्ट है उसके बारे में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज फ्रूट्स वेज, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, तो आप देखेंगे 0 इंडेक्स के ऊपर जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो मेरे पास आ जाएगी, यानी 0 के ऊपर ये वाली लिस्ट ये मेरे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो मेरे पास 1 इंडेक्स के ऊपर ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये मेरे पास इस तरह से लिस्ट आ गई। तो अब ये 0 और 1 के ऊपर एक पूरी की पूरी लिस्ट स्टोर है। अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कोई और आइटम देखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ चेरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो 0 के ऊपर मेरे पास वो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई जिस लिस्ट के अंदर चेरी मौजूद है। अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो फर्दर एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स भी फर्दर किसी ना किसी इंडेक्स पे स्टोर हैं। वो कैसे? ये 0 इंडेक्स पे स्टोर है एप्पल, ये बनाना 1 इंडेक्स पे स्टोर है, चेरी 2 इंडेक्स पे स्टोर है। तो अब फ्रूट 0 से मैं 2D लिस्ट में से एक लिस्ट को स्पेसिफाई करके ले आया, ये मेरे पास आ गई। अब मैंने इस लिस्ट में से फर्दर चेरी को स्पेसिफाई करना है जो कि सेकेंड लोकेशन के ऊपर स्टोर है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिस्ट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कंसेक्टिव लोकेशन पे स्टोर होते हैं। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैं इसके आगे फर्दर आगे लिखूंगा 2, और ये 2 मुझे क्या करेगा कि इस लिस्ट में से चेरी को स्पेसिफाई करके दे देगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये जो 0 है ये मुझे पूरी की पूरी लिस्ट ला के दिखा रहा है, और इस 0 के अंदर से यानी यहां तक ये इतना पार्ट ये मुझे पूरी की पूरी लिस्ट ला के दिखा रहा है, और अगर मैंने इस पार्ट के अंदर मैं आगे 2 लिख देता हूं तो 2 जो है मुझे उस लिस्ट के अंदर फर्दर आगे वो स्पेसिफिक आइटम लाके दिखा रहा है। तो इतना पार्ट पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आ रहा है, 2D लिस्ट में से पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आ रहा है जो 0 इंडेक्स पे पड़ी है, और ये वाला जो पार्ट है ये उस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर भी फर्दर 2 पोजिशन के ऊपर एक जो आइटम पड़ी है चेरी उसे हमारे पास लेकर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं दैट इज द डबल इंडेक्सिंग, कि यहाँ पर हमने 2 इंडेक्स यूज किया, क्योंकि हमारे पास ये 2D लिस्ट है तो इसके अंदर हमें कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए नॉर्मली डबल इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसकी डिफरेंट चीजों से। यहाँ पर इस डबल इंडेक्सिंग की एक एग्जाम्पल दी हुई है जो कि अभी हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं नोटबुक पे। उसके बाद यहाँ पर भी एक मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस किया गया है, कि यहाँ पर एक डबल इंडेक्सिंग की एग्जाम्पल दी गई है कि 1 नंबर के ऊपर जो लिस्ट पड़ी हुई है इंडेक्स पे उसका 1th एलिमेंट उठाकर ले आओ, और उसके बाद 0 के ऊपर जो लिस्ट पड़ी हुई है उसका 0th एलिमेंट उठाकर ले आओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पर कि हम जैसे डबल इंडेक्सिंग कर रहे हैं ऐसे हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग किस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, और इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर आपके सामने कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रूट वेज है इसमें 1 लोकेशन के ऊपर क्या हो रहा है, यानी ये वाली पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास निकल के आ जाएगी, यानी जिसमें ब्रेंजल पोटैटो और रह जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर अगर मैंने 1 से लेकर 2 तक मुझे 2 एलिमेंट्स चाहिए, मुझे यहां तक चाहिए, यानी इस लिस्ट के अंदर मुझे 1 से लेकर 2 तक ये वाले 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए आगे मैंने क्या कर दी, स्लाइसिंग कर दी जिस तरह से हम लिस्ट में करते थे। तो अब यहाँ पर ये चीज तो हमारे पास एक लिस्ट लेकर आ रही है, और उसके बाद ये चीज उस लिस्ट के अंदर से फर्दर एक स्लाइस लेकर आ रही है जो कि 1 से लेकर 2 तक है। तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास एक पूरा का पूरा स्लाइस आ गया पोटैटो और रेडिश का, जिसमें से 1 फ्रूट्स वेजिटेबल 1 की जो लिस्ट है ये पूरी की पूरी लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, और इसके अंदर से ये जो स्लाइस है जिसके अंदर पोटैटो और रेडिश है इसको पॉइंट आउट करने के लिए हमने ये स्लाइसिंग यूज किया। तो हम इस तरह 2D लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको भी हम डबल इंडेक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग देखा था उसके अंदर लिस्ट के अंदर सिंगल लिस्ट के अंदर जो हमारे पास 1D लिस्ट थी उसके अंदर हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी थी। तो यहाँ पर भी नेगेटिव इंडेक्सिंग इसी तरह से होगी कि फर्स्ट नेगेटिव इंडेक्स एक किसी लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा होगा, और सेकंड नेगेटिव इंडेक्स आगे उस लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। देन फिर आगे हम आते हैं 3D लिस्ट के ऊपर। 3 डायमेंशनल लिस्ट, ये बेसिकली इसकी भी सिंपल सी एक पहचान है कि इसके अंदर 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स आ रहे होंगे और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ रहे होंगे। अब इसके अंदर इंडेक्सिंग ट्रिपल के केस में होगी, ट्रिपल तरह से इसके अंदर इंडेक्सिंग हो रही होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल के पहला जो हमारे पास इंडेक्स है वो एक 2D लिस्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, दैट इज उसके बाद दूसरा इंडेक्स जो है वो मेरे पास क्या कर रहा है
कि एक वन डे लिस्ट को स्पेसिफाई कर रहा है और थर्ड इंडेक्स जो है वो मेरे पास किसी ना किसी आइटम को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये इस तरह से डिफरेंट हमारे पास क्या है चीजें हैं कि हमारे पास 3D लिस्ट के अंदर सब पहला इंडेक्स जो होता है वो एक 2D लिस्ट लेके आ रहा होता है, उस 2D लिस्ट के अंदर जितनी मर्जी लिस्ट हो सकती हैं। फिर जो सेकंड इंडेक्स है वो एक 1D लिस्ट लेकर आ रहा होता है और जो थर्ड इंडेक्स है वो आगे उस 1D लिस्ट के अंदर से कोई आइटम स्पेसिफाई करके लेके आ रहा होता है। तो नॉर्मली 3D लिस्ट हमारे पास इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, जहां पर हमने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में कोई डाटा अरेस के अंदर डील करना होता है, वहां पर कुछ 3D हमारे पास शेप्स आती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ये 3D लिस्ट हमारे पास इस्तेमाल नहीं होती। मोस्टली केसेस में हमारे पास 1D लिस्ट इस्तेमाल होती है और कभी कभार हमारे पास 2D लिस्ट भी पाइथन में इस्तेमाल होती है। तो यहां तक हमारे पास ये चीज होगी। अब उसके बाद आते हैं हम एक न्यू टॉपिक, दैट इज टपल। अब टपल्स क्या होता है? अच्छा, ये जो टपल्स है इसकी दो तरह की प्रोनंसिएशन है, इसको टपल्स भी कहा जाता है और कुछ जगह पर इसे ट्यूपल्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों तरह के इसकी प्रोनंसिएशन है, आप जिस तरह मर्जी इसको यूज कर सकते हैं, आप इसे ट्यूपल्स भी कह सकते हैं और आप इसको टपल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ट्यूपल्स है ये क्या चीज है कि आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल लिस्ट की तरह ही इसका सिंटैक्स है कि लिस्ट में जैसे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी होती थी, ट्यूपल्स में हमारे पास यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कॉमा सेपरेटेड। तो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही इसका सिंटैक्स है, फर्क सिर्फ ये है कि लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती थी और यहाँ पर हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स का एक पेयर आ रहा है, और जब मैंने इस ट्यूपल्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद प्रिंट किया तो यहाँ पर ये ट्यूपल्स हमारे पास प्रिंट होके भी आ रही हैं। अब ट्यूपल्स में और हमारे पास लिस्ट में अभी तक तो हमें सिर्फ ये डिफरेंस नजर आया है कि उसे देखने से ये लग रहा है कि उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स आती थी लिस्ट में और ट्यूपल्स में हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ रही है, बाकी तकरीबन सारा सिंटैक्स अभी तक सेम लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्यूपल्स की इंडेक्सिंग की है, तो इंडेक्सिंग में मैंने जब यहाँ पे लिखा 2 तो मेरे पास यहाँ पर आ गया कैरेट, जो कि 2 लोकेशन पर जो भी एलिमेंट पड़ा है वो उसने लाके मुझे दिखा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर इंडेक्सिंग भी सेम टू सेम वैसी ही हो रही है जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी मेरे पास एक एलिमेंट निकल के आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट है लिस्ट वाला। उसके बाद जब मैंने स्लाइसिंग की तो स्लाइसिंग में पूरा का पूरा स्लाइस ऑफ ट्यूपल्स निकल के आ गया जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स थे, तो सेम वही 1D लिस्ट वाला हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की और स्लाइसिंग की नेगेटिव नंबर्स को यूज करते हुए तो फिर भी मेरे पास एक आ गया, जो भी नेगेटिव इंडेक्सेस को यूज करते हुए जो स्लाइस बनता था वो स्लाइस मेरे पास एक्सेस होके मेमोरी से आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो सारे के सारे वही सेम कंसेप्ट है जो कि हमने लिस्ट में पढ़े हैं। अभी तक सिर्फ हमने एक डिफरेंस देखा है, दैट इज के हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स यूज हो रही है ट्यूपल्स में और लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रही होती थी। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट के अंदर हमने चेंजिंग्स भी की थी, हमने डिफरेंट मेथड्स यूज किए थे, इंसर्ट मेथड यूज किया, पॉप मेथड यूज किया, रिमूव यूज किया, एक्सटेंड यूज किया, अपेंड यूज किया, जिसके थ्रू हम लिस्ट में डिफरेंट चेंजेस कर रहे होते थे, उसके एलिमेंट्स चेंज कर रहे होते थे। अब मैं यहाँ पर ट्यूपल एक बनाता हूँ और इस ट्यूपल में मैं कोई एलिमेंट चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो ट्यूपल बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको कोड को कॉपी करके मैं एज इट इज यहाँ पर ले आता हूँ और ये मेरे पास बनी बनाई ट्यूपल यहाँ पर आ गई। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो वेजिटेबल के नाम से जो एक ट्यूपल है, इस ट्यूपल के अंदर हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर एक स्पेनिश की बजाय, जो हमारे पास स्पेनिश पड़ा हुआ है उस स्पेनिश की बजाय इस 1 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास एक और न्यू वेजिटेबल ऐड हो जाए जिसका नाम है ब्रिंजल। ये मैंने यहाँ पर ब्रिंजल लिख दिया, यानी मैं चाहता हूँ कि स्पेनिश की जगह ब्रिंजल आ जाए, स्पेनिश इस जगह से हट जाए। तो जैसे ही मैं इस कोड को एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे फौरन मेरे पास यहाँ पर एक एरर आएगा और वो एरर ये मुझे बता रहा है कि इस एरर की जो टाइप है दैट इज अ टाइप एरर, और ये एरर मुझे बता रहा है यहाँ पर टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि सेम टू सेम जैसे हम लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को चेंज कर रहे थे, यहाँ पर जब हमने टपल के अंदर किसी एलिमेंट को चेंज किया तो वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से बहुत ही बड़ा कंसेप्ट हमारे सामने आ गया है कि ट्यूपल्स जो हमें हूबहू लिस्ट की तरह लगती हैं, उसमें सिर्फ हमें राउंड ब्रैकेट्स का डिफरेंस नजर आ रहा होता है, बाकी उसमें हमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग एक जैसी नजर आ रही होती है जैसे कि लिस्ट में हो रही होती है। तो ट्यूपल्स और लिस्ट सिर्फ हूबहू एक सी नहीं है, बल्कि इनमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, और वो मेजर डिफरेंस क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट को ट्यूपल्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते। यानी आसान अल्फाज में मैं ये समझा देता हूँ कि हमारे पास जो लिस्ट होती हैं दैट आर चेंजेबल, और अक्सर बुक्स में इसके हवाले से एक वर्ड इस्तेमाल होता है दैट आर म्यूटेबल,
म्यूटेबल के लिस्ट्स आर म्यूटेबल, यानी लिस्ट को चेंज किया जा सकता है, उसके एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, उसमें कोई एलिमेंट्स रिप्लेस किए जा सकते हैं, जबकि हमारे पास ट्यूपल्स जो होती हैं दैट आर इम्यूटेबल अनचेंजेबल, यानी उनका जो डाटा एक दफा सेट हो गया है उस डाटा में ना हम कोई न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं, ना ही हम उसका कोई आइटम डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर कोई भी दो ट्यूपल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी उसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट्स आर म्यूटेबल, दैट इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल एंड लिस्ट्स। तो जब भी आपने किसी भी तरह की चेंजिंग करनी होगी तो वो चेंजिंग ट्यूपल्स के साथ पॉसिबल नहीं होगी। यहां तक तो हमारी एक बात कवर होती है। अब दूसरी एक बड़ी अहम बात कि अभी तक हमने लिस्ट के तमाम तरह मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने इंडेक्सिंग देखा, स्लाइसिंग देखा, हमने लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखा, फिर उसके अंदर लिस्ट के इंसर्ट मेथड को देखा, एक्सटेंड को देखा, अपेंड को देखा, रिमूव को देखा, पॉप को देखा, और यहाँ पर भी ट्यूपल्स के डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो अब वो कौन से मेथड्स हैं जो लिस्ट पर अप्लाई होते हैं और ट्यूपल्स पर अप्लाई नहीं होते, हम इसकी डेफिनेशन से ही, इसके डिफरेंस से ही इन दोनों मेथड्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो क्या है कि आप बस ये बात जहन में रख लें कि चूंकि हमारे पास लिस्ट में चेंज पॉसिबल है और ट्यूपल्स में नहीं है, तो लिहाजा वो तमाम मेथड्स या वो तमाम टेक्निक्स जो कि लिस्ट में चेंज कर सकती हैं या लिस्ट में चेंज कर रही होती हैं, वो तमाम टेक्निक्स और मेथड्स ट्यूपल्स के ऊपर नहीं लग सकते। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट का मेथड है, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहा होता है तो वो ट्यूपल पे पॉसिबल नहीं है, नहीं लगेगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। इसी तरह अपेंड का मेथड ट्यूपल के लिए पॉसिबल नहीं है, वो नहीं लगेगा, एरर आ जाएगा। इसी तरह एक्सटेंड का मेथड किसी लिस्ट में चेंज कर रहा होता है पॉसिबल नहीं है, रिमूव चेंज कर रहा होता है पॉसिबल नहीं है ट्यूपल्स पे। तो वो तमाम मेथड्स, वो तमाम टेक्निक्स जो कि लिस्ट के अंदर किसी ना किसी तरह का चेंज कर रही है, उसके डाटा को चेंज कर रही है, वो ट्यूपल्स पे पॉसिबल नहीं है। और वो तमाम मेथड्स, ठीक है, वो तमाम फंक्शंस या टेक्निक्स जो कि लिस्ट के अंदर कोई चीज चेंज नहीं कर रही, उसके डाटा को चेंज नहीं कर रही, बल्कि उसका डाटा एक्सेस करके किसी तरह से लेके आ रही हैं या उसमें से कोई पार्ट ऑफ डाटा को लेकर आ रही हैं, वो तमाम मेथड्स ट्यूपल पर भी वैसे ही पॉसिबल होंगे, उसी सिंटैक्स के साथ पॉसिबल होंगे। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्यूपल्स और लिस्ट के दरमियान एक बेसिक डिफरेंस क्या है। और इसी बेसिक डिफरेंस से मैंने आपको यह भी बता दिया कि हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन कौन से मेथड्स ट्यूपल्स के हो सकते हैं तो कौन कौन से लिस्ट के हो सकते हैं। तो लिस्ट के तमाम मेथड्स जो हमने पढ़े, अगर तो उनमें कोई चेंज, लिस्ट के अंदर कोई चेंज परफॉर्म कर रहे हैं वो, तो वो ट्यूपल्स के मेथड नहीं होंगे। बाकी वो तमाम मेथड जो लिस्ट के अंदर चेंज परफॉर्म नहीं कर रहे, वो ट्यूपल्स के मेथड होंगे। तो होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज अ टू डायमेंशनल ट्यूपल्स। तो टू डायमेंशनल ट्यूपल्स भी बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से हमारे पास 2D लिस्ट होती थी उसी तरह से इस्तेमाल होता है। वही एक डिफरेंस आप याद रख लें कि इसमें भी जो चेंजेबल मेथड्स होंगे वो तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे, और ऐसे मेथड जो लिस्ट में 2D लिस्ट में चेंजेबल नहीं होते वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो टू डायमेंशनल ट्यूपल्स में भी उसी तरह से सेम पैटर्न के ऊपर हमारे पास इंडेक्सिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट कंसेप्ट से, इसी तरह से अगर 3D ट्यूपल आएगा तो 3D ट्यूपल के अंदर भी इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई हो रहे होंगे। उसके बाद हमारा एक लास्ट कंसेप्ट है जिसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं, और वो क्या है, दैट इज डिक्शनरी। अच्छा, अब हमारे पास डिक्शनरी क्या होती है? अभी तक हमने ट्यूपल्स पढ़ा और लिस्ट पढ़ा। लिस्ट और ट्यूपल्स के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स रखे होते थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते थे, किसी ना किसी लोकेशन के ऊपर रखे होते थे, और वो लोकेशन हम सेट नहीं करते थे, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन सेट करता था, जिसे 0, 1, 2, 3, 4 करके वो लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स इंडेक्सिंग करके इनको स्टोर करवा देता था और ट्यूपल्स के भी करवा देता था। तो अगर हमने ये स्पेसिफाई करना हो कि हमारा जो एलिमेंट किसी भी लिस्ट का या ट्यूपल का जो स्टोर हो रहा है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स लोकेशन के ऊपर स्टोर हो, उसका इंडेक्स लोकेशन हर दफा 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट ना हो, बल्कि हम अपनी मर्जी से, हम अपनी डिजायर से, अपनी विश से उसको एक इंडेक्स लोकेशन दें कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो एलिमेंट है किसी भी डाटा का वो स्टोर हो रहा हो ए लोकेशन पे, बी लोकेशन पे, सी लोकेशन पे। तो जब हम अपनी डिजायर्ड लोकेशंस या अपने डिजायर्ड इंडेक्सेस के साथ अपना डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर हम डिक्शनरीज को इस्तेमाल करते हैं। तो डिक्शनरीज क्या करती हैं? डिक्शनरीज के अंदर हमारे पास डिजायर्ड, हमारे डिजायर्ड इंडेक्स लोकेशन के थ्रू, हमारे डिजायर्ड इंडेक्सेस के थ्रू हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। अब डिक्शनरी की सिंपल सी एग्जाम्पल है, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ और ये कोड पे लाकर हम इसको देख लेते हैं एक दफा।
तो मेरे पास ये सिंपल डिक्शनरी है। आप डिक्शनरी स्टार्ट होती है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस से, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रेसेस से हमारे पास क्लोज होती है। अब इस डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं जिसको हम की वैल्यू पेयर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंडेक्स आता है, ये इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास की के अंदर, यानी जो हमारे पास फर्स्ट में है, हमारे पास एक की वैल्यू आती है। की वैल्यू का मतलब है हमारे पास इंडेक्स। हम सबसे पहले इंडेक्स बताते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या होगा, उसके बाद कॉलन लगा के हम डिक्शनरी के अंदर आइटम बताते हैं कि उस इंडेक्स पे स्टोर होने वाली आइटम क्या होगी। अगर आपको याद हो तो हम लिस्ट के अंदर या ट्यूपल्स के अंदर सिर्फ आइटम बताते थे, जो कि एप्पल हुआ करती थी या बनाना हुआ करती थी। हम ये नहीं बताते थे कि इसका इंडेक्स क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर हमें उसका इंडेक्स भी बताना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर बताया ए मेरा इंडेक्स होगा जो कि एक स्ट्रिंग इंडेक्स है, और उसके ऊपर कॉलन लगा के मैंने उसकी वैल्यू बताई कि उसके ऊपर एप्पल ये डाटा स्टोर होगा। इसी तरह बी मेरा इंडेक्स होगा और मेरे उसके ऊपर जो है बनाना स्टोर होगा, कॉमा सेपरेटेड के साथ। सी मेरा इंडेक्स होगा जिसपे चेरी स्टोर होगा, और डी मेरा इंडेक्स होगा जिसपे ड्रैगन फ्रूट स्टोर होगा। तो अब जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास ये डिक्शनरी इस तरह से आ गई। अब इस डिक्शनरी का कोई भी एक आइटम मैंने एक्सेस करना हो या एलिमेंट एक्सेस करना हो तो मेरे पास वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है जो लिस्ट और टपल्स में इस्तेमाल होती थी, क्योंकि लिस्ट और टपल्स में तमाम तरह एलिमेंट्स कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते थे, 0, 1, 2, 3, 4। तो मैं 0, 1, 2, 3, 4 करके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लेता था। यहाँ पर तो हमने अपने डिजायर्ड इंडेक्स रखे हुए हैं, यहाँ पर हमने अपनी मर्जी के इंडेक्स रखे हैं। तो लिहाजा जो इंडेक्स हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं, हम उन्हीं इंडेक्स को यूज करते हुए इनको एक्सेस करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ डिक्शनरी फ्रूट की डिक्शनरी से 0 लेकर आ जाए कि 0 इंडेक्स पे जो है, तो यहाँ पर तो 0 इंडेक्स कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर मेरे पास इस केस में एरर आ जाएगा कि वो कहेगा कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे कोई भी आइटम नहीं मिला, क्योंकि उसने अब 0 इंडेक्स की बजाय ए इंडेक्स से डाटा स्टोर करना स्टार्ट किया, ए के ऊपर, देन बी के ऊपर, फिर सी के ऊपर, फिर डी के ऊपर। तो अब मुझे यहाँ पर इंडेक्स भी वही स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो कि मैंने अपनी डिक्शनरी को डिफाइन करते हुए वहां पर बताया। तो मैं अब यहाँ पर जब ए स्पेसिफाई करूंगा तो फिर मेरे पास ए के इंडेक्स पे जो डाटा है वो एप्पल जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरे पास लेकर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिक्शनरी होता है, दैट इज अ की वैल्यू पेयर, कि इसमें की होती है और कॉलन डाल के आगे वैल्यू होती है, जिसमें की में हम इंडेक्स बता रहे होते हैं और वैल्यू के अंदर हम अपना डाटा बता रहे होते हैं कि हमारा कौन सा डाटा इसके अंदर स्टोर होगा। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आगे इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंडेक्सिंग एग्जाम्पल हमने आगे देख ली, उसके बाद इसको अपडेट करने की एग्जाम्पल भी है कि अगर हमने किसी भी डिक्शनरी को अपडेट करना हो तो अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम इंडेक्स लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे और उसे इंडेक्स लोकेशन पे आगे हम स्टोर करवा सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। अब आप इस लोकेशन में देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में, कि हमने यहाँ पर ए लोकेशन के ऊपर जो एप्पल रखा हुआ था अभी एक एलिमेंट रखा था, अब मैंने नीचे इस एग्जाम्पल में जाके ए लोकेशन के ऊपर एक पूरी की पूरी लिस्ट रखवा दिया। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, डिक्शनरी में किसी एक लोकेशन के अगेंस्ट मैं पूरी की पूरी लिस्ट, पूरी की पूरी टपल भी रखवा सकता हूँ। ठीक है, मैं एक आइटम भी रखवा सकता हूँ और पूरी की पूरी लिस्ट और टपल भी रखवा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ए के ऊपर लोकेशन में पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, आगे बी सी एंड डी लोकेशन पर एक एक आइटम हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी हम डबल इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने स्टूडेंट डिक्शनरी बनाई, इसमें रोल नंबर के अगेंस्ट मैंने पूरी लिस्ट ऑफ रोल नंबर स्टोर करवा दिया, नेम के अगेंस्ट लिस्ट ऑफ रोल नंबर स्टोर, लिस्ट ऑफ नेम्स स्टोर करवा दिया। तो अब मैं यहाँ पर जब इसको एक्सेस करूंगा तो मैंने कहा कि मुझे नेम्स की लिस्ट दिखाओ, स्टूडेंट से मुझे नेम इंडेक्स के ऊपर जो आ रहा है वो दिखाओ। तो उसने मुझे नेम इंडेक्स के अगेंस्ट पूरी की पूरी लिस्ट दिखा दी, जिसमें अली, अहमद और आमिर ये सारे के सारे नेम थे। अब ये जो नेम्स हैं ये फर्दर आगे कंजेक्टिव लोकेशन पे स्टोर हुए हैं, क्योंकि ये एक लिस्ट है। तो ये अली 0 पे स्टोर हुआ होगा, अहमद 1 पे स्टोर हुआ होगा और ये आमिर 2 पे स्टोर हुआ होगा। तो आगे जब मैंने डबल इंडेक्सिंग के थ्रू स्पेसिफाई किया कि 1 लोकेशन वाला मुझे नाम दिखाया, तो 1 लोकेशन पे जो अहमद स्टोर हुआ था ये उसने मुझे यहाँ पर इधर दिखा दिया। तो इस तरह से हम ये डबल इंडेक्सिंग डिक्शनरीज में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अगर हमने डिक्शनरीज के अंदर की एलिमेंट्स के अगेंस्ट पूरी की पूरी लिस्ट और टपल्स स्टोर करवाई हो, तो यहाँ पर भी हम डबल इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई एलिमेंट गेट करना हो तो वो गेट कर सकते हैं, अगर हमने कुछ लिस्ट या सीक्वेंस, कोई भी हमारे पास आइटरेबल या सीक्वेंस है, उसको हमने किसी भी एक डिक्शनरी की कीज बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं, उसके लिए सिंपल एग्जांपल है। और अगर किसी एक लिस्ट के एक इंडेक्स से कोई डाटा निकालना हो तो वो भी हम गेट कर सकते हैं, उसके लिए गेट का मेथड भी होता है। और अगर आप इस तरह से डाटा निकाल लेंगे, सिंपली आप लिस्ट का नाम लिखेंगे,
सॉरी हमारे डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और आगे आप इंडेक्स स्पेसिफाई कर देंगे तो उससे भी हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये एक मेथड है जिससे हमारे पास डिक्शनरी की डिफरेंट आइटम्स आ जाती है कि डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं। ये हमारे पास डिक्शनरीज की कीज देखने के लिए कि कौन कौन सी कीज डिक्शनरीज के अंदर होती हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। इसी तरह से पॉप का मेथड इस्तेमाल होता है किसी भी डिक्शनरी के अंदर पूरी की पूरी उस इंडेक्स के थ्रू पूरा का पूरा डाटा रिमूव करने के लिए। देन जो कि उसका पूरे का पूरा डाटा यानी वो डाटा और वो की वो सारे के सारे हमें रिमूव करके एक हमारे पास दिखा देता है, पूरा का पूरा सेट दिखा देता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है दैट इज सेट्स। सेट्स को हम इस कोर्स के अंदर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि सेट्स नॉर्मली इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो लिहाजा इसको अगर आप अपने तौर पर रीडिंग असाइनमेंट के लिए आप इसको देख लीजिएगा कि सेट्स क्या होते हैं, पाइथन में कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब सेट्स का ना इस्तेमाल होने की सबसे बड़ी वजह है कि इसके अंदर कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, डाटा का कोई ऑर्डर नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं या इसका इस्तेमाल हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर ना होने के बराबर है। तो इसको आप अपने तौर पर एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि सेट्स क्या होते हैं, फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। आज हमने लिस्ट को डिस्कस किया, उसके सॉर्टिंग मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ट्यूपल्स को डिस्कस किया, ट्यूपल्स और लिस्ट में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है हमने उस चीज को डिस्कस किया, और लास्ट पर फिर हमने डिक्शनरी को डिस्कस किया कि डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से डिक्शनरी के साथ काम ले सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट विल बी लूप्स और फंक्शंस, के लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एंड इफ कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे कि इफ कंडीशंस, एल्स कंडीशंस किस तरह से हम अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।